जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अवतार स्टडी 7054 में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूपी ट्रिपल एससी पेट संबंधित मॉक टेस्ट रहेगा। और दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन कराएंगे, आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देना है। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अब हम बात करते हैं, स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए समरस स्वर, ऑप्शन नंबर बी बिभ्रस स्वर, ऑप्शन नंबर सी वश्च स्वर, ऑप्शन नंबर डी अग्र स्वर। दोस्तों, यहां पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करते हैं, पहली बात दोस्तों बोल लेते हैं, कम मुंह खुले तो उसे हम क्या कहते हैं, समरस स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे वड़ी वड़ो, दोस्तों क्या बहुत कम मुंह खुलता है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, समरस स्वर क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक तो हमारा बड़ी हो जाता है और दूसरा दोस्तों क्या हो जाता है, बड़ो, ठीक है दोस्तों। बिभ्रस स्वर की अगर हम बात करते हैं, किसकी, बिभ्रस स्वर में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे दोस्तों, बड़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, अय और दोस्तों हमारा आओ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, बिभ्रस स्वर। कितने हो जाते हैं दोस्तों, तीन। इसी के साथ बात करते हैं पश्च स्वर, पश्च स्वर के अंतर्गत हमारे कितने आते हैं, छह। भाई दोस्तों, छह हमारे कौन कौन से हैं, एक तो बड़ा है, दूसरा दोस्तों छोटू, और तीसरा क्या है, बड़ोऊ, उसके बाद में आओ आ जाएगा, ओ और आओ, ठीक है दोस्तों, और एक हमारा ये हो जाएगा। तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, छह। बात करते हैं अग्रस्वर, तो अग्रस्वर के अंतर्गत हमारे कौन कितने हो जाते हैं, चार, छोटी और दोस्तों बड़ी और क्या हो जाएगा, ए आए, ये चार हमारे क्या हो जाते हैं, अग्रस्वर हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन का है। ऑप्शन नंबर ए स्वागत, ऑप्शन नंबर बी उच्छास, ऑप्शन नंबर सी सरोवर, ऑप्शन नंबर डी सरोज। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। आप लोगों को दोस्तों इसमें व्यंजन शब्द बताना है, कौन सा व्यंजन संधि का है यह आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का दोस्तों हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये काय का दोस्तों, व्यंजन का, काय का दोस्तों, व्यंजन। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत उत्तधन श्वास, ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। स्वागत में अगर हम संधि की बात करते हैं, स्वागत में, तो स्वागत में संधि क्या हो जाती है, सुधन आगत, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। इसमें अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि इसमें दोस्तों क्या हो जाएगी, यण संधि, यण हो जाएगी। सरोवर में अगर हम संधि की बात करते हैं तो इसका संधि विच्छेद पहले कर लेते हैं, संधि विच्छेद इसका क्या दोस्तों हो जाएगा, सरहधन सराहधन वर, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। इसमें दोस्तों हमारी संधि क्या हो जाएगी, विसर्ग, विसर्ग हो जाएगी। बात करते हैं सरोज, तो सरोज में भी दोस्तों हमारी क्या आ जाएगी, विसर्ग संधि। इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं दोस्तों, संधि विच्छेद क्या आ जाएगा, सराहा धन जा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, सरोज का संधि विच्छेद, इसमें भी हमारी क्या आ जाएगी, विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी करण कारक, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर तीन का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, दोस्तों के हेतु किस में आता है, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों जान लेते हैं, देखिए दोस्तों इसमें हमारा कारक की बात करते हैं, दोस्तों क्या हमारा आ जाएगा, संप्रदान के लिए, के हेतु के वास्ते, ये हमारा किसमें आता है, संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। बात करते हैं कर्ता कारक की, तो कर्ता कारक के कारक चिन्ह क्या आ जाते हैं, ने, ने क्या होता है, कर्ता कारक का कारक चिन्ह होता है। और करण, करण की बात करते हैं तो करण क्या क्या होता है, से के द्वारा, से के द्वारा, तो दोस्तों ये क्या है, से इसमें कब होता है, जब दोस्तों किसी साधन की बात की जा रही हो तो वहां पे से होता है। और अपादान में दोस्तों से की विभक्ति होती है, तो से दोस्तों कहा होता है, कब आता है दोस्तों, इसमें से कब आता है, जब अलग होने की स्थिति हो, किसकी दोस्तों, अलगाव, अलगाव की स्थिति हो, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, अपादान कारक।
कारक के वेदों की बात करते हैं तो कारक के 8 वेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है दोस्तों, और एक होता है संबोधन। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संप्रदान कारक। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम सभी जान लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पूर्वी की। पूर्वी की बात करते हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती है? देखिए दोस्तों, पूर्वी के अंतर्गत हमारी इतनी आती है 3। कौन कौन सी? एक तो हमारी हो जाएगी दोस्तों अवधी हो गई, और बघेली, और दोस्तों तीसरी हमारी कौन सी रहती है? छत्तीसगढ़ी। कितनी दोस्तों? 3 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके अगर पूर्वी हिंदी के अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश दोस्तों क्या जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ जान लेते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। देखिए दोस्तों, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हमारी कौन कौन सी हो जाती हैं? एक तो पहली हमारी दोस्तों बुंदेली हो जाती है। इसके अंतर्गत हमारी दोस्तों कितनी आती है? 5 आती है। कौन कौन सी? बुंदेली, कन्नौजी, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, ब्रज हो जाएगी, उसके बाद में दोस्तों खड़ी बोली, आ जाती है, और एक दोस्तों हमारी क्या है? हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं। क्या? बांगरू और हरियाणवी। ठीक है दोस्तों, इसे बांगरू को ही हरियाणवी कहते हैं। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश दोस्तों क्या हो जाता है? सौर सैनी अपभ्रंश हो जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी। बात करते हैं अब दोस्तों पहाड़ी हिंदी के। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी आती हैं दोस्तों? 3 हो जाती हैं। हमारी कौन कौन सी? एक तो दोस्तों हमारी हो जाएगी कुल्लई हो गई, और गढ़वाली, और तीसरी दोस्तों कौन सी हो जाएगी? कुमाऊनी। 3 हो जाती हैं। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश दोस्तों क्या जाएगा? खस सौर सैनी अपभ्रंश। खस सौर सैनी अपभ्रंश हो जाता है इसका। बात करते हैं राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी आती है दोस्तों? जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, भीली। कितनी हो जाती है इसके अंदर? 5। इसके अपभ्रंश की बात करते हैं तो इसका अपभ्रंश भी दोस्तों क्या होता है? सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, इस वाक्य में धीरे धीरे कौन सा समास है दोस्तों? क्या? धीरे धीरे कौन सा समास है? ये दोस्तों धीरे धीरे समास की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, धड़ाधड़, फटाफट, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? अव्ययभाव समास हो जाएंगे। रातों रात, दिनों दिन, जिनमें दोस्तों क्या होती है? शब्दों की पुनः आवृत्ति होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए यह, ऑप्शन नंबर बी वह, ऑप्शन नंबर सी आप, ऑप्शन नंबर डी मैं। तो मध्य का आपको बताना है, मध्यम का। सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मध्य की बात की जाए तो मध्य में हमारा क्या आ जाएगा? यह और वह, ये हमारे मध्य के अंतर्गत आएगा जाएंगे, यह और वह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गणेश का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर ए, क्या
क्या दोस्तों? सुधांशु, सुधांशु ऑप्शन नंबर बी, कुबेर ऑप्शन नंबर सी, एकदंत ऑप्शन नंबर डी, सुधाकर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो गणेश के पर्यायवाची की, गणेश का पर्यायवाची दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? एकदंत। गणेश के अन्य पर्यायवाचियों की बात करते हैं तो गजानन, गौरी नंदन, गणपति, लंबोदर, शंकर, शंकर सुवन, ये दोस्तों किसके हो जाते हैं? एकदंत, यानी कि गणेश जी के। बात करते हैं कुबेर के पर्यायवाची तो क्या आ जाएंगे? धन देवता, किनरेश हो जाएगा, धनपति हो जाएगा, यक्षराज, ये किसके हो जाएंगे? कुबेर के। सुधांशु के अगर पर्यायवाचियों की बात करते हैं तो चंद्रमा, चांद, सुधाकर, ये किसके हो जाते हैं? सुधांशु के। बात करते हैं सुधाकर, तो सुधाकर का, सुधाकर जो है ये दोस्तों सुधांशु का ही पर्यायवाची है, यानी कि चंद्रमा का। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो के लिए शब्द है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी अजानुबाहु, ऑप्शन नंबर डी अज्ञेय। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ उसे हम क्या कहेंगे? अजातशत्रु कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अधिक से अधिक पूछा जाता है। और दोस्तों अजानुबाहु की बात करते हैं तो इसे क्या कहेंगे? जिसकी जिसकी क्या दोस्तों? जिसकी बाहें घुटनों तक हो या जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अजानुबाहु। अज्ञेय की बात करते हैं जो जाना ना जा सके, ठीक है दोस्तों, तो वह अज्ञेय हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, 9 में हमारा क्या है? भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक। तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आप लोग बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी? भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे दोस्तों? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाई हमारी कैसी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो दोस्तों क्या जाते हैं? किसी विशेष वस्तु की बात की जाए, वस्तु, स्थान, किसी विशेष स्थान का नाम की बात की जाए तो वहां पे व्यक्तिवाचक हो जाती है। जातिवाचक की बात की जाए जहां पे दोस्तों संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता हो वहां पे हमारी क्या जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करते हैं जिस दोस्तों क्या पदार्थ रूपी जो भी चीजें होती हैं वह हमारी किसमें आती है? द्रव्यवाचक में आती है, ठीक है दोस्तों। जिसे नापा तौला जा सके वह हमारी क्या हो जाएगी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे कर लीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए मोती, ऑप्शन नंबर बी पंख, ऑप्शन नंबर सी दही, ऑप्शन नंबर डी घी, ऑप्शन नंबर ई चरखा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को स्त्रीलिंग शब्द बताना है तो सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग है तो दोस्तों मोती होता है, ये भी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, पंख होता है ये भी पुल्लिंग हो जाएगा, घी होता है, चरखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए दही, दही जो है ये हमारा कैसा है? स्त्रीलिंग शब्द है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन नंबर ए संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी संज्ञा एवं सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वह विशेषता किसकी बताते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम हमारे कितने होते हैं दोस्तों? 6। कितने? 6 सर्वनाम होते हैं। क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, ये दोस्तों हमारी क्या हो जाती है? क्रियाएं हो जाती हैं। संरचना के आधार पर हमारी क्रियाएं कितनी होती है दोस्तों? 4। कौन कौन सी? प्रेरणार्थक, संयुक्त, नामधात और कृदंत। तो ये कितनी होती है? 4। मुख्य भेद बात की जाए तो 2 होती है, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी संज्ञा सर्वनाम। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सहायक क्रिया, ऑप्शन नंबर बी अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सकर्मक क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो दोस्तों जब कोई कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त कर चुका हो और दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों?
पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और सहायक क्रिया की बात करते हैं, जो मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भाग बचता है उसे हम क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, अकर्मक क्रिया में हमारे क्या होती है, दौड़ना, रेंगना, हंसना, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाते हैं। सकर्मक क्रिया की बात करते हैं, इसमें प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी का पहला महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पद्मावत, पद्मावत की बात की जाए, ये दोस्तों किसका हो जाता है, ये हमारा हो जाता है जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी जी का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, ये दोस्तों हमारा क्या है, प्रथम महाकाव्य है हिंदी का, और ये दोस्तों रचयिता इसके कौन हो जाएंगे, चंद्रवरदाई हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आदिकाल के कवि हैं, कौन, चंद्रवरदाई। बात करते हैं पृथ्वीराज रासो दोस्तों लिखा किस भाषा में है, ये दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रिय प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका हो जाता है, हरिओद का। ये हरिओद जी का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो वाक्य उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी संभावित भविष्य काल, ऑप्शन नंबर सी संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी सामान्य भविष्य काल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल, क्योंकि वह बोल रहा है मुझे डर है कि कहीं कोई देखता ना हो, यानी कि बात वर्तमान की जा रही है, लेकिन दोस्तों क्या है, संभाव्य डर है, तो दोस्तों वह हमारा क्या जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बांगरू बोली आती है, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर वी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो दोस्तों बांगुरी की बात की जाए तो बांगुरू जो है ये हमारी किसके अंतर्गत आती है, यहाँ आप लोगों को बताना है, ये हमारी दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगुरू आती है। इतनी बात क्लियर हो गई, किसके अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी के अंतर्गत आने वाली बोलियाँ हमारी कौन कौन सी हो जाती हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगुरू या हरियाणवी। बांगुरू जो है ये हमारी दोस्तों कहाँ बोली जाती है, हरियाणा रोहतक में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, खड़ी बोली ये दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर इन क्षेत्रों में बोली जाती है उत्तर प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, ब्रज की बात की जाए ये हमारी कहाँ बोली जाती है, मथुरा आगरा में बोली जाती है। और दोस्तों बात करते हैं कन्नौजी, ये हमारी कन्नौज में बोली जाती है। बुंदेली दोस्तों कहाँ बोली जाती है, हतरपुर, मध्य प्रदेश में बोली जाती है और उत्तर प्रदेश में ये बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इनमें से द्वंद समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए पीताम्बर, ऑप्शन नंबर बी रुपया पैसा, ऑप्शन नंबर सी धेरा, ऑप्शन नंबर डी नेत्रहीन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, द्वंद समास का रुपया पैसा, योजक चिन्ह बीच में लगा है, और दोस्तों जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपया और पैसा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, द्वंद में दोनों पद हमारे कैसे होते हैं, प्रधान होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक, ऑप्शन नंबर बी कारण कारक, ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, माँ ने बच्चे को किसको बुलाया, बच्चे को बुलाया, तो दोस्तों को किसमें आता है, कर्म को होता है, कर्म को कारक चिन्ह होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्ता का कारक चिन्ह दोस्तों क्या होता है, ने। कारण का कारक चिन्ह क्या होता है, से के द्वारा। अपादान से दोस्तों कब होता है, अलग होने की स्थिति में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्म को। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर ए गीता अच्छा पुस्तक है, ऑप्शन नंबर बी गीता अच्छा पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी गीज अच्छी पुस्तक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह है आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे
थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या? गीता अच्छी पुस्तक है, यहाँ पे अच्छी कर लीजिएगा। अब बताइए इसमें हमारा कौन सा शुद्ध वाक्य है, यह आप लोगों को बताना है। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? देखिए दोस्तों, गीता कैसी है? अच्छी पुस्तक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वाक्य में क्रिया अकर्मक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राम खाता है, ऑप्शन नंबर बी राम दोस्तों क्या गाली है, ऑप्शन नंबर सी राम जाता है, ऑप्शन नंबर डी राम लिखता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राम क्या करता है? खाता है। इसमें हमारी क्या आ जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन से वर्ग में ह्रास स्वर है? ऑप्शन नंबर ए बड़ी छोटा छोटू बड़ा, ऑप्शन नंबर बी छोटू बड़ी छोटा रीर, ऑप्शन नंबर सी छोटा छोटी छोटू रीर, ऑप्शन नंबर डी बड़ा छोटी बड़ू रीर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? दोस्तों ह्रास स्वर की बात की जाए तो हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? चार हो जाते हैं, छोटा छोटी छोटू रीर, ये हमारे कैसे हो जाते हैं? ह्रास स्वर। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कुलीन, ऑप्शन नंबर बी संस्कारी, ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर डी बहुयज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यह आप लोगों को बताना है। दोस्तों उसे हम क्या कहेंगे? कुलीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संस्कारी की बात करते हैं, अच्छे आचरण वाला, ठीक है दोस्तों, अच्छे स्वभाव वाला, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं? संस्कारी। सर्वज्ञ की बात करते हैं, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ कहते हैं। बहुयज्ञ की बात करते हैं, बहुत जानने वाला बहुयज्ञ होता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुलीन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है? ऑप्शन नंबर ए उत्कृष्ट, ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ, ऑप्शन नंबर सी निकृष्ट, ऑप्शन नंबर डी विकराल। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उसे हम क्या कहेंगे? निकृष्ट कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अपकृष्ट की बात करते हैं तो इसका क्या आ जाएगा? अभ्युत या अपत्यति, ठीक है दोस्तों। व्यर्थ की व्यर्थ का विलोम की बात करते हैं, अव्यर्थ हो जाएगा। विकराल का दोस्तों क्या आ जाएगा? लघु का या नन्हा, विकराल मीन्स बड़ा और लघु का मीन्स छोटा बहुत नन्हा, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? नन्हा या लघु का। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी हरिओद, ऑप्शन नंबर डी भूषण। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यह आप लोगों को बताना है। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है यह आप लोगों को बताना है। रीतकालीन कवि बताना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रीतकाल के कवि की तो वह हमारे कौन हो जाते हैं दोस्तों? भूषण जी हैं, ये हमारे रीतकाल के कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंद पंत की बात की जाए ये छायावाद युग के कवि हैं। दोस्तों बात करते हैं दिनकर जी की, ये आधुनिक युग के कवि हैं। और हरिओद की बात करते हैं, ये दोस्तों कौन है? द्विवेदी युग के कवि कहलाते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी में घुमक्कड़ शास्त्र के प्रेरणाता हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी महर्षि दयानंद, ऑप्शन नंबर डी राहुल संस्कृत्यान। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कौन रहते हैं? राहुल संस्कृत्यान। इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी दोस्तों रचनाएं क्या हो जाती हैं ये जान लेते हैं। तो इनकी दोस्तों रचनाएं क्या हो जाती हैं? जीने के लिए ये हो जाती है, सप्तमी के बच्चे, बोल गंगा से गंगा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए। आश्रम का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर मठ, ऑप्शन नंबर बी इप्सा, ऑप्शन नंबर सी बसन, ऑप्शन नंबर डी गे है। तो आश्रम का दोस्तों क्या आ जाएगा यह आपको बताना है। आश्रम को दोस्तों मठ भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन नंबर ए 33, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर सी 50, ऑप्शन नंबर डी 52। तो दोस्तों देवनागरी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं यह आपको बताना है। तो दोस्तों कुल अगर वर्णों की बात की जाए तो देवनागरी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। का से मा तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी
उष्म व्यंजन ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त व्यंजन। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन, तो भाई हमारे क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है दोस्तों, उष्म व्यंजन की बात करते हैं तो उष्म व्यंजन में हमारे क्या आ जाएंगे, सा 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 हा, ये उष्म व्यंजन में आ जाएंगे। और अंतस्थ की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन में हमारे क्या आ जाएंगे, यार आला हुआ। बात करते हैं संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, छात्र ग्यासरा, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर ए मौखिक, ऑप्शन नंबर बी संकेतिक, ऑप्शन नंबर सी लिखित, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे सर्वप्रथम भाषा का उपयोग की बात करते हैं तो भाई हमें दोस्तों क्या हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, संकेतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रज, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी पाली। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, यह आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 के अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो भाई हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, पाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, व्यक्ति स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और जिस दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। मेरी तरफ से सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।